खोलम खा दल रक या पल रक नरखंड लमसो को न्यूक्लियर रिएक्टर 2020 यूट्यूब चैनल हो और मेरा नाम है राजेश पासवान और जो कॉक बॉरक से नहीं है यानी त्रिपुरा से नहीं है उनके लिए आपका स्वागत है मेरे न्यूक्लियर रिएक्टर 2020 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राजेश पासवान और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख की वीडियोज पर रिएक्शन लेके आता रहता हूँ। और मैंने दल रक और जो है पल रक दोनों वर्ड मैंने यूज़ कर लिए क्योंकि जो जो मतलब जो लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि मैं ऐसा बोलूं तो मतलब उन उन दोनों के हिसाब से वो सही है और वो तो मुझे तो इतना पता नहीं है तो मैंने सोचा कि चलो दोनों यूज़ कर लेता हूं जिसको भी जो सही लगेगा वो मतलब वो वैसे एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि दल रक मेरे एक बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं जो मेरे मतलब जो है वो शुरू के जो सब्सक्राइबर्स थे मेरे तो उनमें से एक है। तो उस भाई ने मुझे कहा है कि दल रक जो है वो सही वर्ड है और एक मोहतरमा का एक मैडम का आजकल सॉरी में बहुत सारे ना जो है पाकिस्तानी सीरियल्स जो है वो देख रहा हूँ तो बड़े सारे उर्दू वर्ड में नेचुरली यूज़ करना शुरू कर दिया मैंने। तो एक लेडी का जो है कमेंट आया था और उसमें उन्होंने कहा था कि दल रक सही वर्ड नहीं है, पल रक जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, अप्रोप्रिएट वर्ड है जो है पल रक है। तो अब मुझे तो इतना खास नॉलेज है नहीं तो जो आप कहेंगे मैं तो वो मान लूँगा तो मैंने दोनों वर्ड में अब यूज़ करूँगा। ओके सो अब बात करते हैं कि आज का जो वीडियो है वो मतलब उसका नाम क्या है। तो आज की जो वीडियो है वो हलाम प्रोडक्शन पे है, हलाम प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पे ये ओरिजिनल वीडियो जो है वहाँ पर है और सॉन्ग का नाम है ओ वर्नु और इसमें स्टारिंग है विशाल हलम एंड प्रीति हलम। डायरेक्टर है इसमें जिन्होंने डायरेक्ट किया है इस वीडियो को वह है इमानुअल हलाम एंड लिरिक्स दिए हैं पाए रलुद्दीन हलाम एंड बिनोय हलाम। एंड सिंगर कौन है वोकल में बात करें तो बिनोय हलाम जोनाथन हलाम एंड रूठी हलाम और बाकी यही जो है मोटी मोटी इनकी कास्टिंग है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा। आप चाहो तो ओरिजिनल वीडियो वहाँ से भी जाके देख सकते हो। अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो और फिर करेंगे अपनी जो है बातें। चलो स्टार्ट करें 1 2 नहीं नहीं फेदी वीडियो चिंगसना ये हैं विशाल भाई हैं मेरे एक कजन ब्रदर के पास भी ना सेम बाइक है। ओके सीक्रेट मीटिंग होने जा रही है। बड़ी हिम्मत है भाई गर्लफ्रेंड को डांट रहा। वर्णु का मतलब होता है माय बिलव ऐसा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। बाद में करते हैं आप कबान फलोय केंग ननी नाय रे करंग रंगिन चु कबान फलोय केंग ननी ओ वर्णु वर्णु ये नदी है। वाह कौन शॉट बढ़िया है ये वर्णु हम फर्स्ट फाइट है क्या कोई से आ तो
ट्रेडिशनल डांस होने वाला है। ये कौन सा डांस है बताना मुझे, क्या हो रहा है? कॉलेज लग रहा है मुझे, यहाँ घर है, घर तो इतना बड़ा नहीं होता भाई, कॉलेज ही होगा। पिटा 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 बस गया, पिटा पिटा सोई नो खम रंग सोई नो खम पाम लाई थे कारे लेती अनुम लेम नाराय दंग वाले रोसे जंगल गए खत्म। ओके सो ये था सॉन्ग, एंड आप बताइए आपको जो है कमेंट सेक्शन में जो है कैसा लगा। बाकी मेरे को तो सॉन्ग जो है सही लगा, और जो मेल सिंगर और फीमेल सिंगर दोनों के बाद सही थी। बट अगर मुझे थोड़ी सी ना थोड़ी सी एक्टिंग थोड़ी सी ओवर लगी, तो उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। बाकी मैं देख सकता हूँ कि ये आई थिंक न्यू कमर्स हैं, क्योंकि मैंने तो उनकी फर्स्ट वीडियो करी है, शायद दी न्यू कमर ना हो, पर जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि इनके जो व्यूज़ हैं ना वो ज़्यादा नहीं है। अभी दो दो हफ्ता हो गया और व्यूज़ बहुत कम है, तो मुझे लग रहा है कि शायद न्यू कमर है, इसलिए जो मतलब इनका जो है वो उतने ज़्यादा फेमस नहीं, तभी जो है व्यूज़ नहीं आए। ओके चलो जो भी है, अगर ये न्यू कमर है और अगर आपको ये सॉन्ग पसंद आया हो तो जाइए और इनकी ओरिजिनल वीडियो को भी जाके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे इनको अपना प्रोडक्शन मालूम नहीं जो है मालूम नहीं पड़ेगा, और आपको भी इनका नहीं मालूम पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो क्या पता आगे जाके बहुत अच्छा करें, और अगर आपने सपोर्ट नहीं किया तो क्या पता ये इतने ज़्यादा डिस्करेज हो जाएँ कि दोबारा जो है मतलब अपना रियल पोटेंशियल कभी ढूंढ ही ना पाएँ। मुझे पता है कैसा लगता है, मैं जो मेरी फर्स्ट वीडियोस है ना, अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे तो उस पर वो बहुत ही ख़राब है, और उस पर व्यूज़ जो हैं वो मुश्किल से 400-500 हैं। 5-6 महीने जो हो गए इस वीडियो को, मतलब 5-6 महीने पहले मेरी फर्स्ट वीडियो आई थी,
और उसमें अभी तक 500 ही जो है व्यूज आए हैं। तो सही में शुरू में बहुत जरूरत होती है सपोर्ट की, पर अगर जो इनकी जो है वो कास्टिंग वगैरह अगर ये वीडियो देख रही है, तो मैं आपको एक ही बात जो बोलना चाहूँगा कि आपने काम बहुत अच्छा किया। अगर आप न्यू कमर हैं तो फिर भी बस ऐसे ही काम करते रहिए, आगे जाके आप बंद वो क्या है ना, बंदा काम करता रहता है तो अपने आप इम्प्रूव हो ही जाता है। अगर उसने छोड़ दिया, बीच में गिव अप कर लिया, तो वो जो जो आगे जाके मतलब वो कुछ अच्छा कर सकता था, वो वाली जो पॉसिबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है। तो काम नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, एक बार तो अपना 100% दे ही देना चाहिए, बाकी भगवान की मर्जी है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। ओके, सो स्टोरी लाइन इनकी अच्छी थी और सॉन्ग्स भी अच्छे थे, कंसेप्ट बढ़िया था। वो जो इनका जो है स्टोरी लाइन वाला, बाकी वो जो घर से भागने वाला कंसेप्ट था वो मैं उसे एग्री नहीं करता हूँ। घर से भागने वाला सीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। तुम्हें कुछ करना है तो भाई पेरेंट्स की मर्जी से करो, ठीक है, जो भी हो मनाओ, खाना खुना ना खाओ, जो करना है करो, तो भागने वाला सीन तो नहीं करना चाहिए यार, वो बहुत ख़राब होता है वो सही में। मतलब आप सोच नहीं सकते, आपको शायद अभी यंग हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर जब आप अपने पेरेंट्स के वो मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे तो भागने वाला सीन बहुत बुरा होता है। तो वो मैं उससे एग्री नहीं करता। बाकी सारी जो स्टोरी है वो तो ठीक थी, लव स्टोरी थी। ओके, सो अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।